फोन हमारा सबसे अच्छा दोस्त ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि यह हमारे बारे में इतना कुछ जानता है जितना हम खुद अपने बारे में नहीं जानते। इसलिए इसकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके बावजूद कई लोग फोन की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतते हैं, जिसकी वजह से उनका फोन हैक हो जाता है और सारा डाटा चोरी हो जाता है। उसके बाद उनके डाटा के साथ क्या क्या होता है यह आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए हर स्मार्टफोन यूजर को यह पता होना चाहिए कि आखिर एक फोन को किस तरह हैक किया जाता है और इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। हेलो मेरी जान, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने फोन को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। कभी ना कभी आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर हमारा फोन क्यों और किस लिए हैक किया जाता है और हैकर्स को ऐसा करके क्या मिलता है। तो इसके लिए आपको अपने डाटा की अहमियत समझनी होगी, क्योंकि जब तक आप अपने डाटा की कीमत नहीं जानेंगे तब तक आपको डाटा चोरी का यह खेल समझ में नहीं आएगा। 21वीं सदी की सबसे मूल्यवान वस्तु अगर कुछ है तो वो है हमारा डाटा। इसलिए हैकर्स की नजर हमेशा हमारे डाटा पर रहती है, क्योंकि यह बहुत महंगा बिकता है। इसलिए हैकर्स हमारे फोन से जो भी डाटा चोरी करते हैं उसे बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच देते हैं और उससे अच्छे पैसे कमाते हैं। वहीं कुछ हैकर्स ऐसे भी हैं जो विक्टिम को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठते हैं, यानी कि प्राइवेट डाटा को वायरल करने का भय दिखाकर लूटते हैं। अब बात करते हैं कि फोन हैक कैसे किया जाता है। आमतौर पर किसी फोन को हैक करने के लिए उसमें कोई ना कोई ऐप या वायरस जरूर डाला जाता है, लेकिन यूजर को इसकी भनक तक नहीं लगती, क्योंकि इस तरह के वायरस अक्सर छुपकर काम करते हैं और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ते, जैसा कि पिछले दिनों एजेंट स्मिथ वायरस के केस में हुआ था। इस वायरस ने भी इतनी सफाई से काम किया कि यूजर को पता ही नहीं चला कि उसके फोन में कोई वायरस है। दरअसल इस तरह के वायरस फोन में इंस्टॉल होते ही पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, यानी कि अपने आप को छुपा लेते हैं और बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। इसीलिए इन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल होता है। हैकर्स फोन को हैक करने के लिए मेलिशियस एप्स, स्पैम मैसेजेस, स्पैम लिंक्स, पॉपअप मैसेजेस, ईमेल अटैचमेंट्स आदि तरीकों को अपनाते हैं। इसके अलावा जब हम किसी अनजान वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करते हैं या अपना फोन किसी को देते हैं या फिर अपना फोन रूट करते हैं तो भी फोन हैक हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि फोन हैक होने से कैसे बचाएं। तो फोन कभी भी अपने आप हैक नहीं होता, बल्कि हमारी गलतियों की वजह से हैक होता है। इसीलिए अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो अपने फोन को हैक होने से बचा सकते हैं, साथ ही अपने डाटा को भी हमेशा सुरक्षित रख सकते हैं। एप्स हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें, किसी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर अथवा वेबसाइट से कभी भी कोई ऐप डाउनलोड न करें। गाड़ी, लॉटरी और कैश प्राइज का दावा करने वाले भ्रामक मैसेजों से दूर रहें, क्योंकि कोई भी किसी को भी ऐसे ही लाखों करोड़ों रुपए नहीं देता। इसलिए अपने लालच पर काबू रखें और विवेक से काम लें। ईमेल अथवा मैसेज में प्राप्त किसी भी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक न करें। अगर भेजने वाला कोई अननोन व्यक्ति है तब तो बिल्कुल भी नहीं। ब्राउजिंग के दौरान पॉपअप्स को कभी भी अलाउ न करें और अच्छा होगा अगर आप पॉपअप्स को ब्लॉक कर दें। इसके लिए ब्राउजर की सेटिंग में ऑप्शन होता है। अपने फोन में कभी भी क्रैक्ड एप्स और गेम्स न रखें, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से काफी खतरनाक होते हैं। इसलिए हमेशा ओरिजिनल एप्स का ही इस्तेमाल करें। ईमेल अटैचमेंट्स को तभी डाउनलोड करें जब आपको भेजने वाले पर पूरा भरोसा हो। किसी अननोन व्यक्ति द्वारा भेजे गए ईमेल में अगर कोई अटैचमेंट है तो उसे डाउनलोड करने से बचें। हालांकि फोन रूट करने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन उतने ही नुकसान भी हैं। इसीलिए बिना वजह अपना फोन रूट न करें। जब भी आप किसी दोस्त को अपना फोन दें तो उसे अपने से दूर न जाने दें। कोशिश करें कि वह जितनी देर तक आपका फोन यूज करे आपकी नजरों के सामने रहे। अगर कोई ऐप जरूरत से ज्यादा परमिशंस मांग रही है जिसकी उसे जरूरत भी नहीं है तो ऐसी ऐप को इस्तेमाल करने से बचें। वैसे तो आपके फोन को किसी भी एंटीवायरस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एंटीवायरस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई अच्छा सा पेड एंटीवायरस इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्री एंटीवायरस किसी काम के नहीं है। तो ये कुछ उपाय थे जिनकी मदद से आप अपने फोन को हैक होने से बचा सकते हैं और अपने पर्सनल डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उनका भी डाटा सुरक्षित रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।